मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मुराद शाह के असूलों को और उनकी ख्वाहिशों को कितनी अहमियत दी है आपने अपनी जिंदगी में? तेरा इश्क जो तारी हुआ। ये लीजिए, अरे पकड़िए ना, ये आए आए जी। एक मिनट, मैं बस थोड़ी सी देर लूंगा आपकी। इस मौके पे कुछ कहना चाहता हूँ। देखें, ये रिहाना हॉस्पिटल मेरी वालदा का ख्वाब था और मेरे वालिद मुराद अली शाह का आप सबसे वादा था। वो तो दुनिया में रहे नहीं, इसलिए मुझे ही सामने आना पड़ा है वादा पूरा करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये वादा पूरा हुआ। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र गुजार हूँ। देखिए, इसमें इसकी तकमील में बहुत सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत मेहनत की, मैं उन सबका शुक्र गुज़ार हूँ। लेकिन एक ख़ास शख्सियत हैं जिनका मैं बहुत आप सबके सामने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर वो शख्सियत ना होती तो शायद आज ये काम मैं ना कर पाता। उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी और मैं भी उनका मिल के शुक्रिया अदा करें। मेरी साथी, मेरी दोस्त और मेरी होने वाली बीवी महानूर रऊफ। आइए डॉक्टर साहब, अब आप हमें प्लीज आइए 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 आइए। आप ही नजर आए। आपके अंदर की नफरत एक दिन आपको खत्म कर देगी, और अगर आपको छू नहीं पाई तो आपके आस पास की दुनिया को जरूर तबाह कर देगी। मेरे और मेरे घर वालों के साथ तो आपने जो कुछ भी किया मैंने सब कुछ सह लिया, लेकिन आपकी इस नफरत की वजह से मैं उस आदमी की मोहब्बत तो नहीं ठुकरा सकती जो मुझसे बे इंतहा मोहब्बत करता है, जिसने मेरे और मेरे घर वालों के लिए बहुत कुछ किया। जाहिर है इतना कुछ किया है तभी तो अपनी होती हुई शादी तोड़ के तुम वापस उसके पास आ गई हो। बस इसके आगे और कुछ मत कहिएगा। काश ऐसे मौकों पे मैं पहले मौजूद होता तो महानूर और उसके घर वालों पे उठने वाले हर सवाल का जवाब देता मैं आपको। आपको ये पता होना चाहिए कि महानूर और उसके घर वाले मेरे लिए उतने ही काबिल इज्जत हैं जितनी आप। इसका मुजाहरा तो तुमने कर ही दिया शहनाम कि तुम्हें कितनी परवाह है मेरी। मुराद शाह की बेवा को छोड़कर इस लड़की को एजाज दिया था दाद देने के लिए। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मुराद शाह के असूलों को और उनकी ख्वाहिशों को कितनी अहमियत दी है आपने अपनी जिंदगी में? आपकी हवेली और आपकी साख आपसे कोई नहीं छीन सकता और ना ही छीनना चाहता है। मैं महानूर को इज्जत से कहीं भी और रख सकता हूं, लेकिन आपको ये तसल्ली नहीं होने दूंगा कि आपके लगाए हुए अंदाजे ठीक थे। महानूर के बहुत एहसानात हैं मुझ पर जो मैं चाह के भी नहीं उतार सकता। उसको अस्पताल के इफ्तिताह में शरीक करना तो बहुत छोटी सी बात है। आप इसको अपनी बहू माने या ना माने, मुराद शाह की बहू यही
और मेरे लिए बस ये ख्याल ही काफी। चलिए मैम। एक ख्याल आया दिल में, कह दो। हाँ कहो। हमारा निकाह इतनी जल्दी जल्दी में हुआ। मैंने तो दुल्हन के कपड़े पहने थे, लेकिन आपको दूल्हा बनते देखने की हसरत रह गई है। तो क्या आप कल अपनी शादी पे जाने से पहले मुझसे मिलने आएंगे? आपको दूल्हा बने भी देख लूंगी और उस मंजर को अपनी आंखों में कैद भी कर लूंगी। बिल्कुल आऊंगा। पहली दफा तुमने कोई ख्वाहिश का इजहार की, खुशी भी मुझे। इंतजार रहेगा। मुझे भी इंतजार है। अम्मा, आप तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? बेटा, मैंने क्या तैयार होना है? वैसे भी मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रही हूँ ना ही जाऊं। हद हो गई अम्मा वैसे। अब्बा, आप क्यों नहीं तैयार हुए? अरे मैं बस नहा के कपड़े बदला हूँ, 15-20 मिनट लगेंगे, देर नहीं लगेगी। मानूर, मेरा बच्चा, तुम ऐसे जाओगी सफेद कपड़ों में? ये अच्छा नहीं लग रहा क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मानूर जो भी पहनती है ना, खिल उठता है। लेकिन बेटा, वहां तुम मानूर बन के नहीं, शहराम की होने वाली बीवी की हैसियत से जा रही, तो को अच्छा सा कलर पहनो ना, ऐसे सादा जाओगी सफेद कपड़ों? अम्मा, जिसके लिए जा रही हूँ ना, वो भी बहुत सादा तबीयत की है, और आप जानती हैं सफेद शहराम का सबसे पसंदीदा रंग है। अच्छा मानूर, क्या ऐसे जाना ठीक होगा? वहां वो किश्वर बीबी भी तो आई हुई होंगी ना? जहां तक मेरा ख्याल है वो नहीं आएंगी। आज उनके बेटे की शादी है, और अगर वो आ भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? अब तो सारी जिंदगी आमना सामना होना है हमारा। कब तक एक दूसरे से भागते रहेंगे? हाँ, ये बात भी है। चलो जाओ तुम लोग, तुम भी अच्छी लग रही हो। ख्याल रखना अपना भी और आयशा का। हेलो, कि तुम्हारी बत्ती सी क्यों निकल रही है? क्यों, मुझे खुश होने का कोई हक नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारा हाथ जरूर है? क्या सब कुछ हो रहा है? यही जो कुछ हो रहा है और होने वाला है। मैं बेचारी बीमार, इधर पट्टी उधर पट्टी, फिर भी सारा इल्जाम मेरे सर। ये जो तुम्हारी जबान है ना, उस पे पट्टी बिल्कुल भी नहीं है, और ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। शायद आपको ना पता नहीं है, लेकिन मैं इस मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।